तमन्ना जी, जानना चाहूंगा कि यू नो कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप काम करती हैं, और वो भी जो लव वंस होते हैं, नियर डियर वंस होते हैं। विजय सर का क्या कॉम्प्लीमेंट रहा है? बस यही, दैट्स व्हाई माइक नहीं दिया था। इट्स कॉल्ड गूगल एंड इंटरनेट। नेक्स्ट विवेक सर। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी होती है आपका, आपके सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन हम आ जाए हैं दिल भरा के लिए। हेलो, ये सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको एक मेमोरी शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था पहली बार, आई रिमेंबर गोइंग इनटू अ थिएटर इन इंटीरियर तमिलनाडु, एंड मैं एक, तभी ना थिएटर में जगह नहीं बची थी, बट वो जानते थे कि मैं आ रही हूँ, सो दे एक्चुअली पुट अ स्टील का चेयर फॉर मी, सो आई कुड सिट एंड वॉच रजनी सर ऑन स्क्रीन। एंड मैंने पहले 10 मिनट फिल्म देखी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, बिकॉज क्योंकि लोग सिर्फ यू नो अलग अलग चीज़ें उड़ा रहे थे। स्क्रीन वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्स, विथ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, एंड दैट इज़ द हिस्टेरिया ही इज़ हैड इन मूवी थिएटर्स। एंड मैं एक स्टील के चेयर पर बैठ के मैंने फिल्म देखी है। सो आई कैन नॉट टेल यू दैट टुडे इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी टू एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ हिज फिल्म and take it to even the audiences here in Mumbai, and yeah, उनसे ये तो सीखा है मैंने कि हमेशा लोगों का आदर करना चाहिए। वो अपने फैंस को बहुत ज़्यादा acknowledge करते हैं, प्यार देते हैं। उन्होंने कभी भी अपने किसी भी फ़ैन को अवॉइड नहीं किया या उन्हें अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑडियंसेस के प्यार के वजह से ही उनका आज ये इतना बड़ा दर्जा है। तो एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, ये उनसे मैंने सीखा है, और मैं चाहूँगी कि जब जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ, मैं उनको प्यार दे सकूँ, बिकॉज उन्होंने हमें प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिया है। सो दैट्स समथिंग आई टेक एंड कीप इट विद माय इन माय हार्ट। या ग्रेट। साथ ही अगर सुपरस्टार्स की बात हो तो यू नो कि हिंदी एंड साउथ में क्या क्या डिफरेंस देखती है? खैर आज तो पैन इंडिया है, फिर भी क्या डिफरेंसेस आप देखती है, क्योंकि दोनों फिल्म इंडस्ट्री में आपने काम किया है, तो क्या सबसे खासियत क्या है जो साउथ को आज लोगों के दिलों में पहुँचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है? मुझे मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एवरीबडी, बट मैंने जब से राज सर के साथ काम किया, राजमौली सर के साथ काम किया, नेल्सन सर के साथ काम किया, मुझे एक बात उनकी बहुत पसंद है कि वो अपने कल्चर को बहुत सेलिब्रेट करते हैं और वो ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करना चाहते हैं। आई थिंक वो ऑथेंटिसिटी लोगों को बहुत पसंद आती है। तो बी इट राजमौली सर, बी इट नेल्सन सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम to kind of teach me that the moment you accept yourself, that's and your roots, I think that reaches to the audience the most.